फाइनली हम लोगों ने क्या किया था, फैराडे का फर्स्ट लॉ देखा और वो क्या कहता है, W इक्वल्स टू क्या होगा, Z into Q। यहां से हमने Z का वैल्यू निकाला, Z की वैल्यू कैसे निकली, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या करोगे, वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या करोगे 96500, ये नंबर इसको बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे। क्लियर हो गया? तो Z की वैल्यू को उठा के उसके अंदर रखते हैं, तो क्या होगा, सो W इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू उठा के रखता हूं, मोलर मास लेना है डिवाइड बाय क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या करना है 96500 और साथ में क्या करना है इनटू Q, Z की वैल्यू रख दी। सबको समझ में आया? यहां से जरा ध्यान से देखो, ये तो हमारा वेट निकालने का फार्मूला है। अब Q की वैल्यू भी रख सकते हो, इसको और भी डिफाइन कर सकते हो, W इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू Q की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इनटू क्या करोगे 96500, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। समझ में आया? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं काम करता हूं मोलर मास को नीचे ले जाता हूं, तो मोलर मास को नीचे से डिवाइड कर दूं तो क्या लिखूंगा, डिवाइड गिवन मास अपॉन मोलर मास दिखाई दे रहा है, इस मोलर मास को नीचे ले गया वेट के पीछे क्या बच गया, सो W ये क्या आ गया, I into T डिवाइड बाय यहां क्या है, वैलेंसी फैक्टर into 96500। बोलो आया ना, ये तो बचा, तब इसको बताओ क्या बोलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, इसको बोलते हैं मोल्स। यहां से मोल्स निकल गए, आपसे कहा था कि वेट भी निकाल सकते हो तो वेट के लिए ये फार्मूला लगाओगे, मोल्स भी निकाल सकते हो तो मोल के लिए वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, क्या निकालना है, I into T divided by the balancing factor into क्या करोगे 96500। ये formula सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इवन आपको ये इस्तेमाल करना है सबसे ज़्यादा, सीधे moles निकालने, क्योंकि moles से सीधे आप weight निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अगर आपको किसी के mole पता हो, if you know the moles, और अगर आपको weight निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, moles into molar mass, ये तो करते हो। समझ में आ गया? सिंपल सा, तो वेट निकालना है, मोल्स पता है, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, क्लियर हो गया? तो आपको इसी की मदद सबसे ज्यादा लेनी है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इसी की मदद लेनी है, ध्यान रखना। और अगर आपको मोल्स पता लग जाए और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है टेस्टिंग, ये भी आपने पढ़ा है, कब पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में, मोल्स पता है और वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर क्या करना है, मोल्स इनटू क्या करोगे 22.4 लीटर एट एसटीपी। याद है आप लोगों को कि एक मोल में कितने लीटर होते हैं एसटीपी पर, 22.4, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर तो सीधे मोल तो आपने निकाल ही लिए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर। सबको समझ में आ गया? अच्छा, एसटीपी पे नहीं निकालना और नॉर्मल वे से वॉल्यूम निकालना है, और उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो तो पीवी इसका सो एनआरटी से निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ये मोल तो आपको ऊपर से पता लग ही जाएंगे, उसको यहां रख दो और वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, N R T by T, कैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ये कब है, ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूले इस तरह से हम लोगों ने डिराइव किए, अब लिख लो इसको प्रॉपर, और सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करना है, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना और आगे इसी के तरीके से ही जाना है। सबसे पहले हम क्या निकालना है, मोल्स, उसके बाद चाहे वेट निकालो फिर वॉल्यूम निकालो कुछ भी निकालो चलेगा, तो लिख लो उसको प्रॉपर। जरा ध्यान से देखो, हमने मोल्स निकालने का फार्मूला आप ही डिराइव किया, करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर इनटू 96500। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो करंट होगी किस में होगी, एंपियर में, जो टाइम लेना हो किस में लेना है, सेकंड में, ध्यान रखना, ठीक है। अब लेने के बाद गलती है, तो करंट और टाइम तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, तो लेने के आपको क्या चीज सोचनी है कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, बैलेंसिंग फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट मिलने की संभावना है उनके ऊपर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स विच इज पॉसिबल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लेंगे जो कि पॉसिबल है, और इधर बगल में क्या लिख लेंगे उसका वैलेंसी फैक्टर। समझ में आता है? तो हमने ज्यादातर बहुत सारे सवाल किए, तो उसमें सबसे पहले लेते हैं सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा 1। समझ में आ गया? सेकेंड लेते हैं मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है। तीसरा ले लेते हैं मान लो कि आपको कॉपर मिल रहा है Cu, Cu का वैलेंसी देखो मैक्सिमम +1 और +2 दोनों में जाता है, लेकिन आपको ज्यादातर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 2 वाले मिलेंगे। वैलेंसी कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि कॉपर के ऑलमोस्ट जो कंपाउंड्स होते हैं स्टेबल कंपाउंड्स वो कैसे होते हैं Cu +2 वाले होते हैं।
तो जितना चार्ज होता है वो उसका वैलेंसी है, समझ में आ गया। तो कॉपर का वैलेंसी कितना होता है? दो, क्योंकि कॉपर ज्यादातर कैसे कंपाउंड बना होता है? प्लस टू वाले। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आपको प्लस टू वाले कंपाउंड भी दिखेंगे, यानी कि कॉपर सीयू प्लस टू में होगा और वो जाके कहां जाएगा? कैटायन और कैथोड की तरफ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आपको दो दिखाई देंगे, ठीक है। चौथा, उसके बाद हम बात करते हैं ज्यादातर, देखो हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको, गैस का वैलेंसी देखो, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? वन। तो वो एक एटम का वैलेंसी वन है, हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो वैलेंसी कितना होगा? दो। एक हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है एक, हाइड्रोजन कितने बेटा है? दो है ना, तो वैलेंसी भी कितना होगा? दो। कॉपर एक ही था, एक ही कॉपर का दो होता है, दो ही लिखा। अब पांचवा, जैसे कि ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? दो, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा? चार, तो चार, समझ में आ गया। छठा, जैसे कि क्लोरीन, एक क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? एक। क्लोरीन कितनी है? दो, तो यहां कितना लिखेंगे? दो। सबको समझ में आया? बड़ा आसान है। जैसे कि यहां मैं लिखूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? दो। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? तीन। सिल्वर का वैलेंसी कितना होगा? एक। जितना चार्ज उस पे उतना वैलेंसी दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करें जिंक, जिंक का वैलेंसी कितना होगा? दो, दो। तो ये ऐसे हैं जिनका रूटीन में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, लिथियम का कितना होगा? 1। पोटेशियम का कितना होगा? 1। बात समझ में आ रहा है? वैलेंसी निकालना बड़ा आसान है, बस ये वैलेंसी फैक्टर पता है तो आप सारी चीजों के आइडियाज ऑलमोस्ट लगा ही सकते हैं। तो ये वैलेंसी फैक्टर्स भी लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं।